नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स। मैं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। यशवंत सिन्हा को पार्टी बदलते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी, टीएमसी में उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति। म्यांमार के कई शहरों में मार्शल लॉ लागू, प्रदर्शनकारियों ने चीनी फैक्ट्रियों को की गोलीबारी में 38 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, कोरोना के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों की सलाह के बाद खोल दिया है। सड़क को खोले जाने से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत है। चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार। अगले 4 दिन व्हीलचेयर पर बैठकर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। पुलिस अफसर सचिन वाजी की गिरफ्तारी पर आमने सामने शिवसेना बीजेपी। शिवसेना का कहना है कि राज्य की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर है। अमित शाह आज दौरे के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में झारग्राम और रानीबंध में जनसभा को संबोधित करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले की 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली। विराट ने इस पारी के चलते भारत में इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों को नाराज नहीं करने की गुजारिश की। स्पाइस जेट मार्च से पुणे में शुरू करेगी इन 5 जगहों के लिए सीधी उड़ान। दरभंगा, दुर्गापुर, ग्वालियर, जबलपुर और वाराणसी शामिल कई उड़ानों का उद्देश्य मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए जेएसआर टाइम्स पर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।